राहुल गांधी का अपमान करना अब बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। पोस्टर वॉर की ये आंच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को अपनी जद में लेते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी को नए युग के रावण के तौर पर दिखाने वाले पोस्टर को लेकर कांग्रेस काफी नाराज है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने जयपुर और जोधपुर कोर्ट में जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ याचिका दायर की है। नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज हुआ। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 में परिवाद दायर किया गया है, जिस पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। परिवाद कांग्रेस विधि विभाग के जिला अध्यक्ष और एडवोकेट दिनेश जोशी ने दर्ज करवाया है। एडवोकेट दिनेश जोशी का कहना है कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई। इस पर जोधपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से राहुल गांधी की 10 सिर वाली रावण के रूप में एक पोस्ट 5 अक्टूबर को साझा की थी। जयपुर में भी कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बीजेपी के पोस्टर में राहुल गांधी को दशानन के रूप में दिखाने को लेकर अदालत का रुख किया है। कांग्रेस नेता और पार्टी के प्रदेश महासचिव जसवंत गुर्जर ने भी नड्डा और मालवीय के खिलाफ जयपुर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट 2 में याचिका दर्ज की है, जिस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गुर्जर ने अपनी याचिका में अदालत से बीजेपी के दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 499 और 500 मानहानि और 504 जानबूझकर अपमान के तहत मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। याचिका में दावा किया गया है कि आरोपियों ने 5 अक्टूबर को जानबूझकर गलत इरादे से पोस्टर जारी किया था और उनका उद्देश्य कांग्रेस और उससे जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, साथ ही राजनीतिक लाभ हासिल करना था। अब देखना होगा कि दोनों अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट का क्या रुख रहता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी ने सबसे पहले अजय राय को कांग्रेस यूपी का प्रमुख बनाया। अब पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता को पार्टी की सदस्यता दी है, जिससे पश्चिमी यूपी में कांग्रेस और मजबूत होगी। आज दल बल के साथ दिल्ली पहुंचे इमरान मसूद ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इमरान मसूद ने कहा है कि ये उनकी घर वापसी है और इसके लिए वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के शुक्रगुजार हैं। मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा, BSP को मैंने नहीं छोड़ा बल्कि BSP ने मुझे छोड़ा है। मैं कभी कांग्रेस छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन शुक्र है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मुझे एक बार फिर पार्टी से जुड़ने का मौका दिया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय, कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और कांग्रेस महासचिव राजीव शुक्ला की मौजूदगी में इमरान मसूद ने कांग्रेस का हाथ थामा। उन्होंने आगे कहा, राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में परिवर्तन का एक माहौल बना है। इसका असर हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया। आज कांग्रेस में शामिल होने पर मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। अजय राय ने भी दिल खोलकर इमरान मसूद का स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, यूपी से अभी और भी कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। मैं अपने साथी इमरान मसूद का कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल बन रहा है। आने वाले समय में कई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम पार्टी की मजबूती के लिए मेहनत कर रहे हैं। इमरान मसूद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन BSP ने बीते महीने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अब इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तुगलक रोड थाने से स्थानांतरण की तैयारी मामले में ED ने अदालत में बताया कि संजय सिंह को मुख्यालय से कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय सिंह ने अधिवक्ता फारूक खान के माध्यम से तुगलक रोड थाने ट्रांसफर करने के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। आप नेता के आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए अदालत ने ED के जांच अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में सुनवाई के लिए दोपहर का वक्त तय किया था। इस दौरान ED ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह को ED मुख्यालय से कहीं और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। देखिए, हमें कल ये पता चला कि संजय सिंह साहब को परसों रात में उनको लॉकअप में न रख के और उनको ये कहा गया कि आपको हम पुलिस स्टेशन तुगलक रोड भेज रहे हैं, और तो उन्होंने जब उसको और उनसे सहमति मांगी गई तो उन्होंने सहमति नहीं दी, तो उनसे ये लिखवाया गया कि आप फिर लिखिए कि आप अपनी सुरक्षा से यहाँ रहना चाहते हैं। तो उनको लॉकअप के बाहर गद्दा वद्दा शायद या बिस्तर चादर जो भी है वो दे दिया गया और उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद ये था कि जब चूंकि कस्टडी ED को दी गई है तो पुलिस स्टेशन तुगलक रोड जाने कोई तुक नहीं बनता। तो जब ये पता चला और संजय सिंह साहब को इस बात की कोई एप्रिहेंशन था कि भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप सब लोग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, तो फिर हमने एक एप्लीकेशन लगाई अर्जेंसी, क्योंकि कोर्ट का आदेश बहुत साफ है कि भाई ये ED की कस्टडी में है
और जो भी आप ईडी के या पुलिस की कस्टडी में होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। पैरा 15 में संजय सिंह के रिमांड ऑर्डर में भी कोर्ट ने लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज के दायरे में इन्वेस्टिगेशंस होंगी, तो ये सब चीज़ों को कुछ वो खेल वेल हो रहा होगा, जो भी होगा। तो हमने एप्लीकेशन लगाई आज कि ये नहीं कर सकते, एक कंटेम्प्ट है कोर्ट के ऑर्डर का। हमने मॉर्निंग में फाइल की, उसको मेंशन किया, फिर जज साहब ने उस पर एक्सेप्ट की मेंशनिंग और उससे ईडी से रिप्लाई मंगाया और अभी बहस हुई। आप लोग कोर्ट ने बहस में थे और काफ़ी देर बहस हुई और कोर्ट ने हमारी सबमिशन को माना और उनकी उन्होंने फिर अंडरटेकिंग दी कोर्ट में कि हम उनको कहीं भी शिफ्ट नहीं करेंगे। तो हमने यही कहा कि साहब ईडी है तो ये मतलब नहीं कि अब वो कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करना शुरू कर दे। देश में कानून का राज है, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो एक न्यायिक प्रक्रिया, उस हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। तो ये वो उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी। फिलिस्तीनी हमास के लड़ाके गाजा सीमा पार कर इजरायली क्षेत्र में घुस गए। न सिर्फ उन्होंने इसराइल में घुसपैठ की बल्कि रॉकेट हमले भी किए। इस हमले में 100 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सरकार ने शनिवार दोपहर को युद्ध की स्थिति घोषित करने के बाद गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने हमास को जवाबी हमले में 17 सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया। ताज़ा समाचार मिलने पर पता चला कि इसराइल के हमले में गाजा पट्टी में करीब 200 लोगों की मौत हो गई। इसराइल और फिलिस्तीन के इस्तकरार में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। इस्लामिक देश फिलिस्तीन को शाबाशी दे रहे हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अलग अलग देश ने इस परिस्थिति पर अपनी राय जाहिर की। सऊदी अरब, कतर और ईरान की सरकारें इसराइल के साथ बढ़ते संघर्ष में हमास का समर्थन करती नजर आई, जबकि अमेरिका और यूरोप के नेताओं ने तुरंत हमले की निंदा की और इसराइल को समर्थन दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमनोई के एक सलाहकार ने फिलिस्तीनी लड़ाकों को बधाई दी। यामाह रहीम सफी के हवाले से कहा गया, फिलिस्तीन और यरूशलेम की आज़ादी तक हम फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ खड़े रहेंगे। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर नजर आया कि वहां संसद सदस्यों ने अपनी सीटों से उठकर इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने हिंसा को तत्काल बंद करने का आह्वान किया। मिस्र ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी और अधिकतम संयम बरतने और नागरिकों को और अधिक खतरे में डालने से बचने का आह्वान किया। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए अकेले इसराइल जिम्मेदार है और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश विभाग द्वारा जारी किया एक बयान में कहा, आतंकवाद का कभी कोई औचित्य नहीं है। हम इसराइल की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और इन हमलों में मारे गए इसराइली लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व शांति दूत टोर वेनेसलैन ने कहा, ये खतरनाक परिस्थिति है और मैं सभी से इस स्थिति से पीछे हटने की अपील करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त वोल्कर टुएक ने कहा, इस हमले का इजरायली नागरिकों पर भयानक प्रभाव पड़ रहा है। नागरिकों को कभी भी हमले का निशाना बनाना नहीं चाहिए।